नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि सीवीटी की नई श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में हम पर्यावरण विषय के तहत विकास को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक आम का बाग है। आप हर साल बहुत सारे आम खाते हैं, बेचते हैं और उसका आनंद लेते हैं। लेकिन अगर आप हर साल बाग की देखभाल नहीं करेंगे तो आम के पेड़ धीरे धीरे खराब हो जाएंगे और एक दिन आम मिलना बंद हो जाएगा। इसी तरह हमारे प्राकृतिक संसाधनों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आने वाले पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सके। सतत विकास का मतलब है आज की जरूरतों को इस तरह पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतें भी पूरी हो सकें। इसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना शामिल है। इसका प्रमुख उद्देश्य संसाधनों का सही उपयोग करना है ताकि लंबे समय तक उपलब्ध रहें और पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। तो चलिए अब समझते हैं सतत विकास की परिभाषा को। दरअसल ब्रंटलैंड आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर में सतत विकास की परिभाषा दी थी। इसके अनुसार सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को खतरे में डाले। तो हमने सतत विकास की परिभाषा तो समझ लिया, अब समझते हैं इसके उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में सतत विकास के 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य निर्धारित किए जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है गरीबी उन्मूलन, सभी प्रकार की गरीबी का अंत करना। दूसरा है भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार और सतत कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा है स्वास्थ्य और कल्याण, यानी सभी आयु समूहों के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण को सुनिश्चित करना। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा को सुनिश्चित करना। पांचवा है लिंग समानता, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। छठा है स्वच्छ जल और स्वच्छता, यानी सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। सातवां है सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा, यानी सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। आठवां है सतत आर्थिक वृद्धि और रोजगार, यानी सतत आर्थिक वृद्धि, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए गरिमामय कार्य को बढ़ावा देना। नवा है औद्योगिक नवाचार और अवसंरचना, यानी लचीली अवसंरचना का निर्माण, सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। दसवां है असमानता को कम करना, यानी देशों के भीतर और उनके बीच असमानताओं को कम करना। ग्यारहवां है सतत शहर और समुदाय, समावेशी, सुरक्षित, लचीले और सतत शहर और मानव बस्तियों का निर्माण। बारहवां है उत्पादन और उपभोग का सतत रूप, सतत उपभोग और उत्पादन के पैटर्न सुनिश्चित करना। तेरहवां है जलवायु कार्रवाई, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। चौदहवां है पानी के नीचे जीवन, महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग। पंद्रहवां है जमीन पर जीवन, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, पुनर्स्थापना और सतत उपयोग। सोलहवां शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, समावेशी और शांतिपूर्ण समाजों को बढ़ावा देना। सत्रहवां है लक्ष्यों के लिए साझेदारी, कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भारत ने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किन किन योजनाओं और नीतियों को लागू किया है। तो पहला है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छता में सुधार और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंगानुपात में सुधार और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई। स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बढ़ाने और गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन शुरू की गई। इतना ही नहीं, सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो चलिए एक बार इन पर भी नजर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र का 2030 एजेंडा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह एक व्यापक योजना है। पेरिस समझौता,
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड यह एक विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला फंड है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहल है। अंत में देखते हैं इससे जुड़े एक अभ्यास प्रश्न को। पेरिस समझौते का लक्ष्य क्या है? विकल्प ए 2030 तक विश्व भर से गरीबी को समाप्त करना। विकल्प बी इस शताब्दी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। विकल्प सी सभी देशों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना। या विकल्प डी विकसित देशों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।